का क्या रणनीति होगा चुनाव में और क्या करना है बेहतर पार्टी के लिए। हम उन दलों में से नहीं हैं कि जहां मत प्रतिशत कहीं से कम प्राप्त हो तो उनको मैं उलहाना सुनाऊं, उनको अपमानित करूं। हमारे दल सब में विश्वास रखता है और जिन जाति धर्मों का मत प्राप्त हुआ है उनका विश्वास जीतने में तेजस्वी जी ने जो कामयाबी हासिल की है उसको और मजबूत करना है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के नीतियों में आस्था रखती है। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। तेजस्वी जी ने जो पीच बनाई नौकरी की, मजाल है इस राज्य के अंदर में किसी के अंदर ताकत है उस पीच से हट के कोई बात करे। 3.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई, 5 लाख के आसपास, और प्रक्रियाधीन था उसको भी करना है। विभागवार जो नौकरियों को चिन्हित किया गया था रिक्त स्थानों को, उस पर काम करने के लिए रोड मैप तैयार किए थे। जूनी के रोड मैप पर आगे बढ़ना है। अब दम नहीं है किसी में जो नैरेटिव तेजस्वी जी ने यहाँ सेट किया युवा के हित में, बिहार के हित में, उससे कोई अलग बात करने की साहस भी दिखाए। आप लोगों को उम्मीद से बहुत कम सीटें आई, इसकी क्या वजह है? हम 40% मत प्राप्त तेजस्वी जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में किया है। हम एक लंबी छलांग लगाए हैं। देश और दुनिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही है चुनाव परिणाम को लेकर के। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। हम और सशक्त मजबूत होने के लिए हम जनविश्वास को और मजबूत करेंगे, लोगों के विश्वास को और जीतेंगे। हम लोग उन लोगों में से नहीं न हैं कि वोटवा लेके कह दे कि हमको मत दिया है हमको काम नहीं करेंगे। दो पिछड़ी जातियां, एक धर्म विशेष, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया गया एक सांसद के द्वारा, शपथ लेने के पहले ही शपथ तोड़ दिया गया, तो कार्रवाई होनी चाहिए। योग्य है कि नहीं है जी? नीट मामले में तेजस्वी यादव पर उनका नाम आ रहा है, क्या कहिएगा? प्रीतम यादव का नाम आ रहा है। सवाल ये उठता है कि नीट से प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ? सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में कल्प्रीट कौन है? देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष ने और युवाओं ने, विद्यार्थियों ने जब परत दर परत चीजों को खोला, तब केंद्र की सरकार ने उसे स्वीकारना शुरू किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारना शुरू किया। कौन व्यक्ति किसके नाम पर रिकमेंडेशन करा करके कौन किसके जगह पर जाकर के टिकता है, हम ही आप यहाँ आए हैं, गलत काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिस इंजीनियर का नाम आ रहा है, वो इंजीनियर को कौन लाया था, किसके समय में आया था दूसरे डिपार्टमेंट में, जरा बताइए। एक सरकार किसकी थी? कोई पत्रकार अगर शक्ति सिंह यादव से कहे कि हमको एक दिन रुकना है और हम अगर रुकवा दें किसी को और वो व्यक्ति वहां जा करके कोई गलत काम करते, जिम्मेदार कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो गलत काम किया। सर्किट हाउस मिलता है किसी को, कोई माननीय को मिलता है, माननीय ही गड़बड़ कर देंगे तो माननीय पर कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा मत साफ है कि जो हमने आपको आईने दिखाया है, ट्विटर पर देख लीजिए, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन माफियाओं के फोटो छपे हैं। ट्विटर हैंडल पर एक बार जाइए और जा कर करके देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साइट पर कि कौन कौन लोग के साथ कौन कौन लोग हैं, लीकर लोग, सोलभर लोग। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है पर्चे लीक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो, 17 महीने में काहे ना कोई पर्चा लीक हुआ था, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, हर जगह। अब तो नीट वाला मामला ना आ गया भाई, अब तो देश से सुरक्षित नहीं है। यूपी में तो हुआ जो हुआ ही, अब तो देश स्तर पर हो रहा है। अब हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कौन कहाँ टीका हुआ था? मंत्री कौन है? जो आप लोगों ने बढ़ाया था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए ये दुखद है, चूंकि न्यायिक निर्णय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। पर ये आरक्षण का दायरा गरीब हित में था, उन वर्गों के हित में था जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर थे, उनको ध्यान में रख करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। और हम लोगों ने उसके आधार पर सशक्त और मजबूत करने के लिए
और सारे ढेर सारे कार्यक्रमों को बनाया। अन्य राज्य भी हैं जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है, और हमने पहले ही आदरणीय तेजस्वी जी ने पहले ही कहा कि शेड्यूल नाइन में डालने के लिए लगातार भारत की सरकार से प्रे करते रहे, लेकिन जो ही जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, दबाव बंद कर दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो दोषी साफ तौर पर देश की हुकूमत है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कोर्ट का सहारा ले रही थी, आरक्षण का दायरा न बढ़े, जाति गणना न सर्वे न हो, इसके लिए लगातार वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रही। आज कोर्ट का निर्णय जिस रूप में भी आया है, न्यायिक निर्णय है, हम तो लगातार कई चीज़ों पर कहते रहे हैं कि EWS 10% बढ़ा तो हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अगर ये यहाँ पर आरक्षण का दायरा अगर 65% हुआ है तो इस पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि न्यायिक निर्णय पर कोई सवाल तो खड़ा करता नहीं है। आगे की कोर्ट में जाएंगे क्या? अब तो उसका अध्ययन होगा आगे की क्या नीति होगी, हम चुप तो नहीं बैठेंगे।